हाय फ्रेंड्स, क्या जब भी आप अपने पैर को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज आती है, या आप बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं, या सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, या चलने में आप अपनी पोजीशन को बदलते हैं तो उसमें से कट कट की या पंपिंग साउंड आपको महसूस होती है या आपको सुनाई देती है, तो ये होता क्या है, इसके होने के कारण क्या है, और जब ये होता है तो क्या आपको इसमें डरने की जरूरत है? आज इसी के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल तक है, या आप 50 प्लस हैं और आपके कटकटाहट की आवाज आ रही है घुटने से लगातार, तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ईशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले हम आपको घुटने के मॉडल के जरिए बताते हैं। ये हमारा घुटना एक वेट बेयरिंग ज्वाइंट है। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर जो हड्डी है इसको फीमर कहते हैं, नीचे हड्डी जो है इसको टिबिया, और सपोर्ट में इसकी एक हड्डी लगी हुई है जिसको फिबुला कहते हैं, और अंदर आप ये हड्डी देख रहे हैं इसी को ही कैप कहते हैं, या नी कैप, या पटेला इसको कहते हैं, या हिंदी में इसको चपनी कहते हैं। ये जो हड्डी है चपनी जिसको कहते हैं, ये ऊपर से 3 मांसपेशियों से और नीचे 1 मांसपेशियों से अटैच है। जब ये सही पोजीशन में रहती है, जैसे हमारी ये मांसपेशी टाइट नहीं होती है या वीक नहीं होती है, तो ये अपनी सही जगह पे मूव करती रहती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारी बाहर की मांसपेशी और अंदर की मांसपेशी टाइट हो जाती है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो होता क्या है, ये पटेला जो है अपनी जगह से शिफ्ट होके ये दूसरी जगह पे, ये इधर से या इस साइड से मूव करने लगती है, ग्लाइड करने लगती है। इसी वजह से ही कट कट की आवाज़ आने लगती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो 20 साल से लेकर 40 साल तक होते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको एक चेक करना है कि ये आपको वही दिक्कत है, ये जगह पटेला आपकी शिफ्ट हो रही है, या आपकी पटेला सही जगह पे मूव कर रही है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे सीधे बैठ जाना है बिल्कुल पीछे होके, और अपने हाथ की पोजीशन को इस तरीके से ले लेना है, और अपने पटेला को इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है, इमोबिलाइज कर देना है इस तरीके से। फिर आप अपने, जैसे मान लीजिए आपके इस घुटने से आवाज़ आ रही है या दोनों घुटने से आवाज़ आ रही है, तो आप दोनों पटेला को इस तरीके से पकड़ लीजिएगा, और फिर धीरे धीरे आपको पैर को उठाना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपके पटेला जो है अगर सही तरीके से मूव कर रही है तो इसमें से क्लिक क्लिक की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पटेला अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डेविएट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो आप देखेंगे कि इसमें से क्लिक क्लिक की आवाज़ आ रही है, और इसके साथ साथ में आपको दर्द अगर हो रहा है तो यानी कि आपको पटेलर ट्यूमोरल सिंड्रोम हो रहा है या कॉन्ड्रोमलेशिया हो रहा है। इसमें आपको सावधानी बहुत ज़्यादा लेनी है। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें दर्द हो रहा है और सूजन है, रेडनेस है, और क्लिक क्लिक की आवाज़ आ रही है, तो आगे चल के आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो अगर आपकी एज कम है, 20 साल से लेकर 40 साल तक है, तो आगे जो हम एक्सरसाइज बताएंगे अगर आप उसको रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी क्लिक क्लिक की आवाज़ भी ख़त्म हो गई, और आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी आप काफ़ी हद तक बच सकते। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तो होता क्या है कि उसका कार्टिलेज और मेनिस्कस ये घिस जाता है, तो होता क्या है, ये मीडियल साइड वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसका स्पेस कम हो जाता है। जो स्पेस आप देख रहे हैं, देखिए मेंटेन है, हम एक्सरे भी लगा दे रहे हैं साइड में, आप अपना एक्सरे भी देखिएगा और साइड वाला एक्सरे देखिएगा, तो ये जो मीडियल साइड वाला एरिया है ये इसका स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसकी वजह से भी क्लिकिंग साउंड या पंपिंग साउंड या कटकटाहट की आवाज़ आ रही है। मेडिकल टर्म्स में इसको क्रेपिटस भी कहते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है, ये जो आप देख रहे हैं लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स का काम होता है कि हमारे जॉइंट को बांधे रखते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ, या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो होता क्या है, ये लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। इसकी वजह से भी होता क्या है कि एक क्लिकिंग की आवाज़ होती है, और घुटना उनका लचक भी जाता है इस तरीके से। तो ये 3 कारण होते हैं। इसका एक कारण और होता है कि जब भी आप अपने घुटने का मूवमेंट इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे जो गैस होती है जिसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, उसके बबल्स जो है फटते हैं, इसकी वजह से भी क्लिकिंग की आवाज़, कटकटाहट की आवाज़ आपको सुनाई देती है या महसूस होती है। आपको एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये कटकटाहट की आवाज़ जो आ रही है, अगर ये दर्द के साथ है, सूजन के साथ है, तो आपको इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपने पटेला की ग्लाइडिंग करना है।
क्योंकि ग्लाइडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है, सही जगह ग्लाइड नहीं करती है, इसी वजह से क्लिक क्लिक का साउंड आपको महसूस होता है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पेट के बल लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से ऐसे मोड़ना है और 90 डिग्री तक, और फिर नीचे रख देना है, फिर आपको मोड़ना है और फिर धीरे से नीचे रख देना है। ये ग्लाइडिंग आपको सबसे पहले करनी है और दोनों पैर में करनी है, बारी बारी से इस तरीके से, और आगे जो हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे वो भी आपको करनी है। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। ये एक्सरसाइज आप अच्छे से देखिए, समझिए और पॉज कर करके करने की कोशिश करिए। तो आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे सीधे लेट जाना है, फिर आप जैसे इस पैर में आपकी दिक्कत है तो आपको करना यह है, पैर को इस तरीके से ऐसे साइड में इस तरीके से ऐसे घुमा लेना है, इस तरीके से। फिर आपको करना यह है, आपको धीरे धीरे आपको पैर को इस तरीके से ऐसे उठाना है, यहाँ पे उठाना है, फिर नीचे रख देना है। 2 से 3 दिन के बाद आपको करना यह है, यहाँ पे उठाना है और फिर रोके रहना है, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को करने से होता क्या है कि आपकी जो अंदर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इसके स्ट्रांग ना होने की वजह से ही पटेला जो होती है वो अपनी जगह से डेविएट हो जाती है, इसी वजह से क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिक्कत जो है वो दूर होने लगी। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 बार ही करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर की भी करनी है। फिर आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है वो करना ये है, आपको अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे मोड़ लेना है, फिर दूसरे पैर को आपको सीधा करके फिर आपको उठाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो एक्टिवेट हो रही है, और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी स्ट्रांग होने लगेगी, क्योंकि इसके स्ट्रांग ना रहने की वजह से भी दिक्कत होती है। तो आप उठाइए और 5 सेकंड तक होल्ड करिए और फिर नीचे रख दीजिए। फिर आपको करना यह है कि आपको एक टॉवेल का रोल इस तरीके से ऐसे बना लेना है और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेना है। आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं या लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पैर इस तरीके से आपका नहीं रहना चाहिए, पैर बिल्कुल आपका सीधा रहे, और फिर घुटने से आपको नीचे की तरफ दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेट होगी और ये स्ट्रेंथ होगी। जब ये स्ट्रेंथ होने लगेगी तो आपकी जो कट कट की आवाज़ आ रही है वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब मांसपेशियां जो है वीक हो जाती हैं, इसी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप कमर के दर्द से या घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तभी आप कॉल बुक कराइएगा, नहीं तो आप एक्सरसाइज को देखिए और अच्छे से परफॉर्म करिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपको करना यह है कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि होता क्या है कि मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, इसकी वजह से भी पटेला अपनी जगह पे मूव नहीं करती है। तो आपको करना यह है, अपनी काफ मसल का स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए आपको एक तकिया की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से तकिया को रख लीजिए और फिर अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे खींचिए और फिर छोड़िए, खींचिए, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर छोड़िए। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों में करनी है, 10 से 15 बार करनी है शुरुआत में। धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बनती जाती है तो धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। इसके बाद आपको करना यह है कि आपको हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करना है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से ऐसे रख लेना है और अपना एक पैर मोड़ लेना है ताकि आपकी कमर के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपने पैर को इस तरीके से ऐसे उठाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। फिर आपको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे। जितना आपकी ये हैमस्ट्रिंग मसल्स रिलैक्स रहेगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए और क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपकी मजबूत रहेगी, तो उतना आपकी जो पटेला है वो सही जगह पे ग्लाइड करेगी, सही जगह पे मूव करेगी। तो जो कट कट की आवाज़ आ रही है, पंपिंग साउंड या क्रैकिंग साउंड आपको महसूस हो रहा है या सुनाई दे रहा है, वो आपको नहीं होगा। ये जो एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, अगर आप इसको कुछ दिनों तक यानी कि महीना भर तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी क्लिक क्लिक की आवाज़ ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ में आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो घुटने की ग्रीस होती है वो उम्र के साथ ख़त्म होने लगती है। तो अगर आप कैल्शियम का और D3 का अगर आप सेवन ज़्यादा करेंगे
तो जो कोलेजन होता है वो बनने लगता है, जो कार्टिलेज होता है वो रिपेयर होने लगता है। तो आपको कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है और D3 का सेवन ज़रूर करना है, और इसके साथ साथ में आपको मॉर्निंग वॉक भी ज़रूर करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, आप इसमें एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी अच्छी ले रहे हैं लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, यानी कि आप कुछ बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको घुटने के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो वो गलतियां क्या हैं, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।